दिल्ली से मुंबई अकेला चलकर आया था एक लड़का। मन में करके एक निश्चय पक्का, कहा था उसने कभी अपने माता पिता से, ठान लिया है मैंने अभिनय के क्षेत्र में नाम कमाने का। माँ बाप को लगा भूत है दिमाग पर सवार हुआ, उतर जाएगा एक दिन जरूर पक्का। पर कहते हैं ना, इतिहास बनाना ही काम होता है पागलों का। ये भी उन्हीं में से था एक पागल लड़का, करण मेहरा नाम है उसका। इस बात के लिए उसके दोस्तों और अध्यापकों ने भी उस हौसला बढ़ाया था उसका, पर क्या वो नहीं जानते थे हाल माँ बाप के दिल का। था काम बड़ा ही साहस का, एक अकेले बच्चे को एकदम से यूँ बाहर भेजने का। पर फिर माँ बाप को भी हुआ विश्वास पक्का, जब उसने कहा खाना है मुझे भी मुंबई में धक्का। माँ बाप ने कर लिया मन पक्का और भेज दिया उसे मुंबई में खाने को धक्कों पर धक्का। फिर पहुंच गया वो एक दिन मुंबई, जहाँ किसी का कुछ पता नहीं, कोई अपना नहीं। यहीं पर उसके अपने धैर्य के सीमा को परखने की शुरुआत हुई, पर छूटने नहीं दिया उसने उसे। अकेला रहा पर अपना साथ खुद देता रहा, जो मिले वो काम करता रहा पर अपना पैसा खुद जोड़ता रहा। काम कभी मिलता तो कभी कुछ न बनता, कई बार दबाव बढ़ जाता, कोई काम देने को तैयार ही ना होता। कुछ लोग कहते दिमाग से तो हो बड़े, पर कद से लगते बिल्कुल छोटे। काम कैसे दे तुम्हें हम, समझा सकोगे हमें तुम? सवाल ही ऐसा था कि जुबान पर कुछ ना आता, मानो होठों को किसी ने जोर से हुसी लिया। कहा था उसने माँ से, आऊंगा तो कुछ करके ही आऊंगा, चाहे कितने ही धक्के क्यों ना खाऊंगा। पर एक दिन ऐसा आया, छूटने लगा धैर्य, टूटने लगा सब्र का बांध। सोचा उसने, बांधो बिस्तर और चलो घर। पर उसे कहाँ पता था, कुछ और ही खड़ा था उसके लिए अगले ही मोड़ पर। रिश्ता जो आया था उसे, नहीं नहीं वो नहीं था किसी घर से, वो तो था एक धारावाहिक से। नैतिक के रूप में अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाकर बना बैठा वो करोड़ों के देव में अपना एक खूबसूरत घर, और जुड़ा रहा फिर 8 सालों तक उसी रिश्ते से। पर फिर शरीर बोलने लगा, जिसे सुनना इसे पहले तो जरूरी नहीं लगा। अथक मेहनत और परिश्रम वो फिर भी करता रहा, अब शरीर की आवाज़ कानों में गूंजने लगी। मेरा साथ देना है मुश्किल, वो आवाज़ बार बार कहने लगी। तब कहीं वो उसे ठीक से सुनाई दी, और फिर न चाहते हुए भी अत्यंत भावुकता से उसने नैतिक को अलविदा कहा और लोगों को धन्यवाद। पर फिर भी लोगों ने उसे वही प्यार बार बार दिया, हजार बार नहीं कई बार दिया, जिसके कारण वो फिर एक बार लोगों से कई माध्यमों से जुड़ा रहा। कभी समाज माध्यम, तो कभी नाटक, तो कभी फिर छोटा पर्दा, जिस पर बड़ा रूप या फिर छोटा रूप, लोगों को तो फिर भी वो भाया वैसा ही खूब, जैसे भाता हो नटखट से कान्हा का हर एक रूप। यूं ही चलते चलते 12 साल यानी एक तब पूरा किया उसने अपने इस प्रवास का। अब रास्ता धर लिया है दूसरे तब की ओर का, पर आज भी वही मेहनत वही परिश्रम, उसमें कोई जवाब नहीं दे सका है उसका। क्या नहीं है ये पागलपन उसका? बिल्कुल जी, तभी तो पात्र है वो आज भी हम सबके बधाई प्यार और आशीर्वाद का। ए निष्काम कर्मयोगी, जब तक ये दुनिया चलती रहेगी, जब तक ये धरती घूमती रहेगी, चांद और सूरज आते जाते रहेंगे, आपको यूं ही प्यार मिलता रहेगा हम सबका।